हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपको गलती से प्रेगनेंसी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कई बार स्कूल गर्ल्स होगी, कॉलेज गर्ल्स होगी, गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कोई भी लड़की होगी अगर वो गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उनसे गलती तो हो गई है लेकिन उन्हें इस गलती को कैसे संभालना है उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि उनकी अभी एज काफ़ी छोटी होती है, उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि ये अवेयर है वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगी। और अगर आप मैरिड भी हैं लेकिन कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए है। अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ अगर आप गलती से प्रेगनेंट हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो कानूनी तौर पर आपको अबॉर्शन जो है वो आपका हो सकता है, लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो ऐसे में आपके साथ किसी ऐसे को होना चाहिए, विटनेस के तौर पर गार्डियन होना आपके साथ ज़रूरी है, जो रिटर्न में उन्हें सिग्नेचर करके देगा तो ही आगे आपकी अबॉर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। और अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप घर पर कोई भी घरेलू जो तरीके होते हैं जैसे पपीता खाना, जो कोई भी गर्म चीज़ जो बताई जाती है वीडियोज़ में आपने बहुत बार देखा होगा, वो खाकर अबॉर्शन करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि हो सकता है घरेलू तरीकों को इस्तेमाल करके आपके पीरियड्स आ जाएं, आपकी ब्लीडिंग आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% आपका अबॉर्शन हो जाए, क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है जो आगे चलकर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए घर पर घरेलू तरीकों को इस्तेमाल करके अबॉर्शन करने की ना सोचें, क्योंकि हो सकता है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू ही रहे, तो आप सोचें कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन आपका जो मेडिकल अबॉर्शन का जो टाइम है वो भी निकल जाए और डीएनसी भी आपकी ना हो पाए, इसलिए ऐसा नहीं करें। इसलिए जब भी आप प्रेग्नेंट हो, जब भी आपके पीरियड मिस हो जाए तो पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में जो है वो 2 लाइन्स आती हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर 1 लाइन है तो नेगेटिव आपका जो है टेस्ट है। इसलिए अगर 2 लाइन्स हैं इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपकी फेंट लाइन भी आती है तो भी आप थोड़े दिन जो है वो वेट करें और फिर से टेस्ट करें, तो आपकी जो फेंट लाइन है वो भी डार्क हो जाती है, इसका साफ मतलब होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर आप जल्दी ये समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप मेडिकली जो है वो अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं, जिसके लिए एमटीपी किट दी जाती है। इसमें 5 टेबलेट्स होती हैं, लेकिन ये मेडिसिन भी आपको ऐसे नहीं लेनी है, क्योंकि ये मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो ही आप किसी मेडिकल शॉप से इसे परचेज कर सकते हैं, और डॉक्टर के बताए हुए तरीके से ही आपको इसे लेना होता है। कई बार महिलाएं इस एमटीपी किट को डॉक्टर की सलाह के बिना ही ले लेती हैं और अपने तरीके से इसे यूज करने लगती हैं, तो उन्हें आगे चलकर इसके नुकसान को झेलना पड़ता है, जैसे लगातार उन्हें ब्लीडिंग होती रहती है और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, इसमें महिलाओं की जान तक जा सकती है, और कई बार अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है और अंदर कुछ पीसेस जो हैं वो फीटस के रह जाते हैं जिसके कारण उन्हें ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ऐसे में उन्हें फिर से एमटीपी किट का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ये एमटीपी किट आप कभी ना लें। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर आप एमटीपी किट यानी मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन नहीं करवा पाएंगी, क्योंकि मेडिसिन खा के जो अबॉर्शन होता है वो तब तक हो सकता है जब तक आपकी प्रेगनेंसी 50 दिनों से ज़्यादा की जो है वो नहीं हुई है, 50 दिनों से कम है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 50 दिनों के अंदर की है तो आपको वो दिन आपको कैसे काउंट करने हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो अभी 50 दिनों से कम है, 50 डेज से कम है। जो आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसका पहला दिन, जिस दिन पीरियड आपको आए थे उसको पहला दिन माने और वहाँ से गिने। अगर 50 दिनों से आपकी प्रेगनेंसी कम है दिन, तो फिर आप दवाई के द्वारा अबॉर्शन करवा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। अगर ये एमटीपी किट लेने के बाद आपको अच्छे से पीस जो है वो आपके निकल जाएँ, अच्छे से क्लॉट्स निकल जाएँ, अच्छे से ब्लीडिंग हो जाए, तो समझे आपका अबॉर्शन कम्प्लीटली हो गया है। लेकिन अगर दवाई लेने के बाद आपकी ब्लीडिंग नहीं होती है, कम होती है, पीसेस अच्छे से नहीं निकलते हैं, तो फिर आपका जो अबॉर्शन है वो कम्प्लीटली नहीं हुआ होता है, या फिर कई बार अंदर पीसेस रह जाते हैं जिसके कारण आपको 2 से 3 हफ्ते या फिर कई 1-2 महीने तक ब्लीडिंग होती रहती है। इसलिए हमेशा एमटीपी किट, अबॉर्शन किट लेने के 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि अबॉर्शन कम्प्लीटली हुआ
है या नहीं, यूट्रस अंदर खाली हुआ है या नहीं। इसलिए अगर आप मेडिकल अबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी डायग्नोज करके एमटीपी किट ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएंगे उतना आपका जो है वो रिस्क बढ़ता जाएगा। और एक और बात, अगर आपका सर्जेरियन ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के द्वारा अगर आपकी डिलीवरी हुई है, तो फिर आप एमटीपी किट मेडिकली जो है वो अपना अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। ये रिस्की हो सकता है, इससे यूट्रस में जो है वो इन्फेक्शन हो सकती है, यूट्रस फटने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए डॉक्टर एमटीपी किट सर्जेरियन ऑपरेशन वाली महिलाओं को नहीं देते हैं। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी के जो डेज़ हैं वो 49 या फिर 50 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, और आप अब आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके डीएनसी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास मेडिकली अबॉर्शन जो है वो करवाने का टाइम निकल गया है। डीएनसी भी सेफ मेथड है, 5 से 7 मिनट में आपकी जो डीएनसी है वो हो जाती है और आप मजे से घर जा सकती हैं उसके बाद। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ये सिर्फ एक ये अच्छा सेफ मेथड है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अगर आपको गलती से प्रेगनेंसी हो जाए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं करने के लिए। तो दोस्तों बस इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।